बॉलीवुड के देओल परिवार का डांस से वही नाता है जो सांप और बिच्छू का होता है, यानी दोनों की आपस में बनती नहीं है। यही वजह है कि सनी देओल के परिवार में जो जो हैं सब डांस में अपने हाथ और पैर तंग रखते हैं, फिर चाहे वो धर्मेंद्र पाजी हों, बॉबी देओल हों, करण देओल हों या फिर अभय देओल। हालांकि धर्मेंद्र की दूसरी वाइफ हेमा मालिनी है जो उनके परिवार में सारे के सारे ट्रेडिशनल डांसर हैं, फिर चाहे वो कत्थक हो, कुचिपुड़ी हो या कोई भी क्लासिकल विधा ले लीजिए, उसमें हेमा मालिनी, आहना देओल और ईशा देओल सारे डांसर हैं। जबकि दूसरी पार्टी जो धर्मेंद्र की है वहाँ कोई भी डांसर नहीं है। इसके बावजूद जब सनी देओल के बेटे करण देओल की मैरिज हुई, संगीत फंक्शन हुए, तब हर देओल परिवार में सब कोई खुल के नाचा। सनी देओल तो पहले अपने गदर के अवतार में तारा सिंह वाले गेटअप में पहुंच गए थे और मैं निकला गड्डी लेकर खूब परफॉर्म किया, लेकिन जिस डांस परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीता वो थी धर्मेंद्र पाजी की। बिकॉज धर्मेंद्र की काफी टाइम से हेल्थ खराब चल रही है और करीब 87 ईयर की उनकी उम्र हो चुकी है। इसके बावजूद धर्मेंद्र पाजी जब एंटर हुए तब लोगों ने बहुत कयास लगाया कि वो डांस नहीं करेंगे, प्लस उनकी एंट्री भी अकेले हुई, यानी वो पहले शख्सियत थे परिवार के इतने बड़े होने के बावजूद, ना तो उनके साथ सनी देओल थे ना ही बॉबी देओल थे और कोई उनके साथ रेड कार्पेट में ग्रीन कार्पेट में नहीं आया। धर्मेंद्र अकेले आए और कई बार तो रास्ता भूल गए, तब किसी ने उनको रास्ता दिखाया कि इधर से जाना है। बहरहाल धर्मेंद्र जब अंदर एंटर हुए तब स्टेज पर अपने पोते के साथ डांस करने का मौका मिला और उन्होंने अपने फेवरेट गाने मैं जट यमला पगला दीवाना पर क्या परफॉर्म किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी मूवमेंट बहुत एनर्जेटिक थी। हालांकि डांस मूवमेंट उनकी फिजिकल मूवमेंट के साथ मैच नहीं करते, लेकिन वो पूरा एंजॉय कर रहे थे। और आज की डेट में बहुत कम ऐसे दादू होंगे जो अपने पोते की शादी में इस तरह से फिट आए, इस तरह से एंजॉयमेंट करते नजर आए। इवन सनी देओल, बॉबी देओल के साथ जिस तरह वो नाचा, वो पूरे परिवार के एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फीलिंग का आइडिया दे रहे थे। सबसे मजेदार वाइब्रेशन आई लोगों को पोते और दादू के बीच में डांस कॉम्पिटिशन को देखकर, बिकॉज दोनों के मूवमेंट बहुत ही ज्यादा नेचुरल इनोसेंट थे और कोई प्रोफेशनल डांस करना नहीं आता। इसके बावजूद जब दोनों एक साथ डांस परफॉर्म कर रहे थे तब लग रहा था हाँ यही देओल परिवार है जो बहुत ही क्यूट स्वीट फॉर्म में रहता है और दुनियादारी की कोई भी चीज नहीं सीखता। तो सनी देओल के बेटे की मैरिज के एवज में पूरा परिवार क्या जमकर नाचा है, फिर चाहे वो अभय देओल हो या फिर बाकी देओल परिवार की बहुएं या औरतें। लेकिन जो लाइमलाइट धर्मेंद्र ने चुराई, उनकी बहू दृशा आचार्य ने चुराई और उनके पोते करण देओल ने चुराई, उसके आगे सबका डांस फीका था।